पूरे देश में इस समय बिजनेस वालों का बोलबाला है। नौकरी और आय की अस्थिरता के बीच लोग नए आय के विकल्प तलाश कर रहे हैं। लोग अपने बिजनेस के लिए नए नए आइडिया आजमा रहे हैं। अगर आप कम बजट और जल्दी रेस्पॉन्स मिलने वाले बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज हम ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का एक युवक नाश्ता बेचकर महीने में 360,000 से अधिक की आमदनी कमा रहा है। हालांकि इस मुकाम को हासिल करने में 25 वर्ष लगे। कहते हैं कि धैर्य, निरंतरता और जीतोड़ मेहनत की बदौलत कुछ भी असंभव नहीं है। इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि हम जिसके बारे में बताना जा रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन उसकी इनकम हर महीने 360,000 से अधिक की है। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर से लगे महासमुंद जिले में बसना एक शहर है। बसना शहर के बस स्टैंड में बरातू होटल है। इस बरातू होटल में पिछले 25 साल से यह बरातू होटल संचालित हो रहा है। बरातू होटल के संचालक खीर साय निषाद बताते हैं कि वे जब छोटे थे तो उनके पिता यानी बरातू निषाद ने इस होटल की शुरुआत की थी। होटल की बागडोर अब खीर साय निषाद ने संभाल ली है। खीर साय निषाद ने आगे बताया कि यहाँ बड़ा समोसा, पूड़ी, आलू चाप, ब्रेड चाप बनाते हैं। हमने बचपन में यहाँ कप प्लेट धोया है और फिर पिता ने धीरे धीरे काम सिखाया और अब खुद होटल संचालित कर रहा है, ऐसा कहना होटल के संचालक खीर साय निषाद का है। आगे बताया कि हमारे यहाँ नाश्ता प्लेट 20 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से मिलता है, जिसमें कोई भी नाश्ता जो 3 तक आपको उसमें मिल जाएंगे। साथ में आलू चना और मखना की रसेदार सब्जी और टमाटर चटनी परोसी जाती है, जिससे नाश्ता का स्वाद दोगुना हो जाता है। होटल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहती है। अपनी आमदनी और होटल की रूटीन को लेकर आगे और क्या कुछ बताया होटल के संचालक खीर साय निषाद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बसना का रहने वाला खीर साय निषाद। खीर साय भाई, आपसे जानना चाहेंगे आप यहाँ पर पिछले कब से लगा रहे हैं दुकान और क्या कुछ कहना चाहेंगे दुकान के बारे में, क्या कब ये तो 25 साल हो गया, 25-30 साल मेरे पापा लोग दुकान लगाते थे तो बचपन से करते हैं दुकान में काम। बड़ा समोसा, पूड़ी, ब्रेड चाप, आलू चाप ये सब बनाते हैं। जैसे कि बचपन आपके यहीं से शुरुआत हुई, तो बचपन का दिन कैसा था और आज कैसा है, बचपन से शुरुआत कैसे हुई? बचपन से दुकान में कब प्लेट और प्लेट धोते थे, धीरे धीरे पापा सिखाते गए तो अब पूरा सब आइटम जानता हूँ। टोटल आप खुद दुकान संभालते हैं? हाँ, पूरा दुकान संभालते हैं। और यहाँ नाश्ता का प्लेट कितने रुपए है और क्या क्या मिलता है नाश्ता में? 3 पूरी 20 रुपए, 3 हर चीज, 3 मतलब 3 नग 20 रुपए प्लेट, चना सब्जी के साथ चटनी। आपने सब्जी की काफ़ी तारीफ मैंने सुनी है, सब्जी कैसे बनाते हो, क्या क्या उसमें सब्जी में रहता है? उसमें मसाला ज़रा बहुत डलता है, उसमें गरम मसाला, मीट मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज व्याज सब डलता है। किस चीज़ का रहता है, क्या क्या? मखना और चना आलू वो रहता है। सवेरे 5 बजे से खुल जाता है दुकान। सवेरे 5 बजे कब तक खुला रहता है? 2 बजे तक, दोपहर का 2 बजे तक, उसके बाद बंद। और प्रतिदिन अगर बात किया तो कितने प्लेट नाश्ता की बिक्री हो जाती है? हम लोग का 12,000 का कमाई है पर डे, 12,000 और बढ़ जाता है। नाश्ता को काफ़ी पसंद करते हैं लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या खास बात कह रहे हैं? खास बात, हम लोग ताज़ा मतलब जो बासी आइटम बेचते हैं ना, हम लोग नहीं बेचते, मतलब गाय वाय को तो देते हैं, जो आइटम ताज़ा ही बेचते हैं हम, बासी वाला कुछ सामान रखते नहीं। तुरंत गरम गरम, अभी देख लो कढ़ाई भी गरम है अभी। दुकान का एड्रेस क्या है बता दीजिए, अगर कोई यहाँ पर आना चाहेगा तो कैसे कैसे करके पहुँचे लो? बसना बस स्टैंड, बरातू होटल करके नाम है, मेरे बाबा का नाम है, बरातू होटल, नायडू पांडेला बोलते हुए हैं तो जान जाएंगे बस स्टैंड। बरातू होटल बोलने से कोई बता देगा बसना बस स्टैंड।